अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक नए तरीके के वेज स्टार्टर की रेसिपी। आपने ये पहले कभी नहीं बनाया होगा। बहुत डिफरेंट तरीके से हम इसे बनाएंगे और बनाना इसे इजी है, तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 2 छोटे चम्मच तेल को गर्म होने रखा है। तेल जब गर्म हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे प्याज, और ये मैंने 2 से 3 मीडियम साइज की प्याज ली है और बिल्कुल फाइन चॉप करके प्याज को डालना है। अब इसे हम 2 से 3 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज की जो भी स्मेल है वो चले जाए। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे गाजर, और ये 2 गाजर ली है मैंने, इन्हें भी बिल्कुल बारीक काट कर डालना है। फिर इसमें डालेंगे हम शिमला मिर्ची, और ये 2 शिमला मिर्ची है, इन्हें भी बिल्कुल बारीक काट कर डालना है। फिर इसमें डालेंगे हम थोड़े से स्वीट कॉर्न, और इन्हें मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। फिर इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाली है चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी मैंने इसमें ज़्यादा ही डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को, इन सब्जियों को हम वापस से फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। तो इसे हम 5 मिनट के लिए शैलो फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा ही इसे हमें फ्राई करना है। सब्जियों को पूरी तरीके से हमें गलाना नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो सब्जियों को पकाते हुए यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। गैस बंद करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही, बगैर पानी का दही डालना है। पूरी तरीके से पानी को हमने निकाल लेना है दही में से, उसके बाद इस्तेमाल करना है। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दही में, तो इसे 4 से 5 घंटे के लिए किसी छलनी में रख दें ताकि इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाए। फिर इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच पिज्ज़ा सॉस, और अगर पिज्ज़ा सॉस आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पर टमेटो केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दही को और सॉस को अच्छे से हम सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो स्टफिंग हमारी तैयार है, अब इसे हम छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पर मैंने लिया एक ब्रेड का स्लाइस, और इसके जो कॉर्नर है वो मैंने काट लिए हैं। अब इसे हम बेलन से बेल लेंगे, बेलन से बेलकर हम इस तरह से इसे बिल्कुल पतला कर लेंगे। और जो ब्रेड आप इस्तेमाल करें वो ब्रेड ताज़ा ही होना चाहिए, बासी ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना है। बासी ब्रेड से बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो बिल्कुल ताज़ी ब्रेड होना चाहिए, तभी ये अच्छे से बिल पाएगी। और जब स्टफिंग हम रखेंगे तो ये टूटेगी भी नहीं, इसलिए ब्रेड हमें ताज़ी लेना है। तो इस तरह से बेल कर हम इसके ऊपर स्टफिंग रख देंगे, और स्टफिंग ठंडी हो जाए उसके बाद इस्तेमाल करना है। तो स्टफिंग रखने के बाद हम इस तरह से ब्रेड के जो कॉर्नर से चारों कॉर्नर्स उन पर पानी लगा देंगे अच्छे से, ताकि जो ब्रेड है वो अच्छे से चिपक जाए। तो अब इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और एक ट्रायंगल का शेप दे देंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम सारे साइड को अच्छे से चिपका देंगे। तो इस तरह से जो कॉर्नर्स है उन्हें आपस में अच्छे से चिपका देना है ताकि स्टफिंग बाहर नहीं निकले। तो एक ट्रायंगल हमारा बनकर तैयार है, बाकी के बचे हुए भी हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे ट्रायंगल्स हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब इसकी कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 अंडे, जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से अंडे ले लें। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं, अंडे को अच्छे से हम फेंट लेंगे, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, आप चाहे तो थोड़ी सी काली मिर्ची और नमक डाल सकते हैं। तो अच्छे से अंडे को फेंट लेंगे। अब यहाँ पर एक एक करके हम ट्रायंगल लेते जाएंगे, और इस तरह से हम अंडे में डिप करते जाएंगे, अच्छे से अंडे से इसे लपेट देंगे। अंडे से कोट करने के बाद हम इसमें से निकाल कर इसे ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लेंगे। तो ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे इसे और अच्छे से इसे कोट कर लेंगे। तो एक ट्रायंगल बनकर तैयार है, इसी तरीके से हम सारे ट्रायंगल्स को ब्रेड क्रम्स और अंडे से अच्छे से कोट कर लेंगे। तो अब इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। तेल पहले ही गरम करने रख दिया था मैंने, एक एक करके हम इसमें डाल देंगे, और एक बार में जितने आए उतने ही डालेंगे, एक साथ हम सारे नहीं डालेंगे, नहीं तो इतने सारे एक साथ डाल देंगे और अगर कढ़ाई में नहीं आए तो टूट जाएंगे, इसलिए जितने आए एक बार में उतने हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर
गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसके दोनों साइड से। तो एक साइड जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसका साइड चेंज कर देंगे और दोनों साइड से इसे अलट पलट कर अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई हो गए हैं, इसी कलर का फ्राई करना है। अब इसे हम तेल में से बाहर निकाल लेंगे और इसे एक एब्जॉर्बिंग पेपर पर रख देंगे ताकि इसका जो भी ऑयल है, जो भी तेल है, वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से ये फ्राई हो गए हैं। तो अब इसे हम तेल में से निकाल लेते हैं। तो इन्हें निकालने के बाद हम दूसरी बैच भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बचे हुए जो ट्राइंगल्स हैं उन्हें भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो हमारे मज़ेदार से वेज ब्रेड ट्रायंगल्स बनकर तैयार हैं। इन्हें आप सर्व करें टमेटो केचप के साथ और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। अंदर से बहुत क्रीमी सा इनका टेस्ट आता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।